कहानी ऐसी है कि अभी पूरा वर्ल्ड में सिचुएशन खराब है और खासकर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे पूरे कंट्री में लॉकडाउन लगा हुआ है। अब लॉकडाउन में लोगों के पास जो घर में बैठे हैं उनके पास काम नहीं है तो यहाँ पे लोग काम पे काम ढूंढने जा रहे हैं कि उनके पास कुछ काम है तो उनको काम करके उनका टाइम पास हो जाए, लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा है। तो काम करने के लिए क्या काम कर रहे हैं, वो काम ये कर रहे हैं कि उनके पास जितने भी मैसेज आ रहे हैं उन सारे मैसेजेस को आगे आगे फॉरवर्ड करने का काम कर रहे हैं। ये काम पे काम करने की वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट के काम बहुत ज्यादा बढ़ गए और गवर्नमेंट के काम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि गवर्नमेंट काम करते करते परेशान हो गई है और गवर्नमेंट को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये फेक मैसेज के जो काम है इसको कैसे रोका जाए। तो इस सिचुएशन में मैंने सोचा कि मैं भी एक काम कर लेता हूँ, घर पे खाली बैठा हूँ, एक काम ऐसा कर लेते हैं कि एक काम करके मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ऐसे फेक मैसेजेस के बहुत सारे मैसेजेस व्हाट्सएप पे घूम रहे हैं, जिसको देख के लोग ये काम कर रहे हैं कि बिना सोचे समझे उस मैसेज को आगे भेज रहे हैं और ऐसे काम करने की वजह से वो सबके काम बढ़ा रहे हैं। तो मतलब काम के ऊपर इतने काम का ज्यादा प्रेशर आ गया है कि यहाँ पे काम करते करते काम वालों की हालत खराब हो गई है। वैसे काफी ज्यादा काम हो गया, मतलब रिदम काफी लंबी बन गई। कैसी लगी आपको बताना जरूर कमेंट करके। ओके, कमिंग बैक टू टॉपिक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गैबी फेलो और दोबारा से आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि मेरे पास एक मैसेज आ रहा है जो 2-3 दिन से सर्कुलेट हो रहा है और उसको फिर मैंने सोशल मीडिया पे भी चेक किया और इवन मैंने गवर्नमेंट की तरफ से भी देखा कि गवर्नमेंट भी इसको आगे फॉरवर्ड कर लिया कि नहीं ऐसी कोई चीज नहीं है। और इनफैक्ट इसमें लोगों की गलती नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि किसी के पास भी कोई मैसेज आता है तो यार वो ये सोचता है कि मैं इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करता हूँ कि ये कम्युनिटी को थोड़ा हेल्प कर जाए। अब दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे फेक मैसेज भी इतने ज्यादा स्प्रेड हो जाते हैं कि वो फेक को लोग सच मानने लगते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पे फेक मैसेज को भी इस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि मतलब आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि यार ये न्यूज आर्टिकल जो है ये फेक है या रियल है। अच्छा, यहाँ पे जब मैं वेबसाइट वगैरह चेक करता हूँ तो यहाँ पे फेक मैसेज की भरमार लगी पड़ी है और सबसे ज्यादा जो कॉमन सोर्स देखा गया है फेक मैसेज को स्प्रेड करने का वो आपके फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू होता है। बेसिकली व्हाट्सएप भी फेसबुक का ही है, तो यहाँ पे पूरा बर्डन फेसबुक के ऊपर आ गया, बिकॉज गवर्नमेंट रेगुलेशन ये बोलता है फेसबुक को कि भाई आप इसको कैसे भी रोको। अब यहाँ पे आने वाले टाइम में फेसबुक कुछ नए फीचर्स लाने वाला है जहाँ पे पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि ये जो फेक मैसेज है इसको स्प्रेड करने से रोका जाए। अब यहाँ पे भाई व्हाट्सएप के ऊपर एक बहुत कॉमन मैसेज घूम रहा है अभी जो कि ये क्लेम करता है कि अगर आपके जो टिक हैं, तो सिंगल टिक, डबल टिक और ट्रिपल टिक और इनके फिर अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन है, ये डिसाइड करेंगे कि आपके मैसेज का जो अभी स्टेटस है वो क्या है। अब यहाँ पे व्हाट्सएप खुद परेशान है बिकॉज व्हाट्सएप ने ऐसा कोई फीचर लॉन्च नहीं किया है। तो यहाँ पे मैसेज क्या बोलता है पहले वो देख लेते हैं। मैसेज बोलता है कि अगर सिंगल टिक है तो मैसेज चला गया, डबल टिक है तो मैसेज डिलीवर हो गया, डबल टिक जो है वो ब्लू हो गया तो अगले ने मैसेज पढ़ लिया। यहाँ तक तो होता ही है, चलो ये कॉमन चीजें हैं, ये व्हाट्सएप की तरफ से है। अब यहाँ पे फेक मैसेज वालों ने जो बनाया है अगला वो ये बोलता है कि यहाँ पे अगर 3 टिक हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने आपके मैसेज को रीड कर लिया है और वो आपको ऑब्जर्वेशन में रख लिया है। अगला है कि भाई 1 नीली और 2 लाल हो जाती है, मतलब 1 ब्लू 2 रेड टिक। तो यहाँ पे ये मतलब है इसका, ये क्लेम करता है कि गवर्नमेंट जो है आपके पूरे डेटा को स्क्रीनिंग में लगा चुकी है, मतलब आप जो भी व्हाट्सएप पे कर रहे हो सब गवर्नमेंट की नजर में है। और उसके बाद यहाँ पे अगर 3 टिक रेड हो जाते हैं तो भाई यहाँ पे रेड अलर्ट आ जाता है और इसके अकॉर्डिंग मैसेज क्लेम करता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट अब आपके ऊपर कोई एक्शन लेने वाली है और जल्दी ही आपको कोर्ट की तरफ से कोई समन आने वाला है। इस टाइप का मैसेज बहुत ज्यादा फॉरवर्ड हो रहा है और यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि भाई उनकी तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और इनफैक्ट व्हाट्सएप ने भी इसको डिनाई किया कि वैसा कोई फीचर उन्होंने लॉन्च किया नहीं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आ रहा है तो आप डायरेक्टली उसको बोलो कि नहीं यार ये फेक मैसेज है, इसको आप आगे और फॉरवर्ड मत करो। इनफैक्ट आपके पास भी आ रहा है तो इसको आप ट्राई करो कि इस चेन को यहीं पे रोका जाए, बिकॉज ऐसे मैसेज आगे आगे जाते हैं तो यार बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। यहाँ पे यूजर जो है वो सोचता है अच्छा ऐसा भी हो रहा है वैसा भी हो रहा है, और इनफैक्ट मेरे पास अभी तक कुछ 3 टिक वाली कहानी आई नहीं है बिकॉज ऐसी कोई बात है ही नहीं। अगर होगी तो व्हाट्सएप उसको खुद रिवील करेगा, पब्लिकली लॉन्च करेगा, लेकिन इस तरीके से आपको व्हाट्सएप करके बताएगा ये हाईली इम्पॉसिबल है। तो यार ये थी यहाँ पे करंट फेक न्यूज जो कि अभी बहुत ज्यादा हाइप में है, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड हो चुका है मैसेज। तो आई थॉट कि आपको ये बात बताऊं मैं और हो सके तो आप इसको इस चेंज को ब्रेक करने की कोशिश करिए। ऐसा कोई भी मैसेज आ रहा है ट्राई करो वर्ल्ड गेट। फिलहाल इस वीडियो में इतनी बातें थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर देना आप और इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि बाकी लोग भी इसको देख के आगे फॉरवर्ड मैसेज ना करें इस टाइप के। और उम्मीद करता हूँ आप सेफ होंगे अपने घर में। आगे मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।